दोस्तों वेलकम टू द सत्या एक्सीलेंट चैनल, आपका स्वागत करता है। आज हम आपको बताएंगे कि संविधान सभा से संबंधित प्रश्न। इससे पहले आपको बताता हूँ कि यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चले दोस्तों चलते हैं आज का क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? इसका उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर तीन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? इसका उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर चार, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर पाँच है, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? इसका उत्तर है MNRI। क्वेश्चन नंबर छः, भारत में संविधान सभा गठित करना का अधिकार क्या था? इसका उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना, जो 1946 में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर सात है, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की? इसका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर आठ है, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? इसका उत्तर है 70। क्वेश्चन नंबर नौ है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? इसका उत्तर है हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर दस है, B.R. अम्बेडकर कहाँ के संविधान सभा में निर्वाचित हुए? इसका उत्तर है बंगाल से। 11वां क्वेश्चन है, संविधान सभा का सार्वजनिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? उत्तर है B.N. राव। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? इसका उत्तर है 29 अगस्त 1947। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसे रखा? इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। 14वां क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विस्तार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया है? उत्तर है स्वराज पार्टी ने, जो 1924 में की। प्रश्न नंबर 15वां है, संविधान सभा में भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? इसका उत्तर है 26 नवंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान को बनाने में कितना समय लगा? जी हाँ दोस्तों, ये हरदम कोई ना कोई पूछता रहता है, इसको जरूर याद कर ले। उत्तर है इसका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रश्न नंबर 17वां है, संविधान में कितने अनुच्छेद है? इसका उत्तर है 444। प्रश्न नंबर 18वां, संविधान में कितने अध्याय है? इसका उत्तर है 22। प्रश्न नंबर 19 है, भारतीय सभा में कितनी अनुसूचियाँ हैं? इसका उत्तर है 12। 20वां क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? इसका उत्तर है वर्गीय मताधिकार का पर। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? इसका उत्तर है प्रस्तावना को। प्रश्न नंबर 22 है, भारत के संविधान के प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होती है? इसका उत्तर है हम भारत के लोग। 23वां क्वेश्चन, संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया है? इसका उत्तर है प्रस्तावना पर। 24वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? इसका उत्तर है 1976 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 25 है, संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? उत्तर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। 26वां क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों। 27वां क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना कौन से शब्द बढ़ाए गए? इसका उत्तर है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। 28वां क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। प्रश्न नंबर 29 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? उत्तर है इसका जनता के पास है। क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान के प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? उत्तर है प्रजातंत्र। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान का प्रारूप कैसा है? उत्तर है इसका संरचना के संघानात्मक। 32वां क्वेश्चन है, भारत का संविधान कैसा है? इसका उत्तर होगा
लिखित एवं विश्व का सबसे व्यापक संविधान है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 33वां क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? उत्तर है ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। 34वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? इसका उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। 35वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? इसका उत्तर है राज्यों के संघ पर। 36वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? इसका उत्तर है 12। प्रश्न 37 है, भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? इसका उत्तर है भारतीय जनता से। प्रश्न 28 है, लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? इसका उत्तर है फ्रांस से। 39वां क्वेश्चन है, अध्ययनात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? इसका उत्तर है 6। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? उसका उत्तर है जी ऑस्टिन ने। 42वां क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? इसका उत्तर है जनता को सरकार चुनने व बदलने का अधिकार है। 43वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? इसका उत्तर है इंग्लैंड। 44वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? इसका उत्तर है नीति निर्देशक तत्व। 45वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकत्र स्रोत कौन सा है? इसका उत्तर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो 1935 में लागू हुआ। 46वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? इसका उत्तर है कनाडा। प्रश्न नंबर 47 है, संविधान की समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया से। प्रश्न नंबर 48 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? इसका उत्तर है रूस के संविधान से। 49वां क्वेश्चन, राज्यों में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासक ने किस देश से उधार लिया था? इसका उत्तर है इंग्लैंड से। 50वां क्वेश्चन है, कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। 51वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है? इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। 22वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन किस देश के संविधान से प्रभावित है? इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। 53वां क्वेश्चन, विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? इसका उत्तर है इंग्लैंड से। 54वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया से। प्रश्न नंबर 56 है, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? इसका उत्तर है 22। यहाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया है? इसका उत्तर है 20वें भाग में। प्रश्न नंबर 58 है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है? इसका उत्तर है 9वें भाग में। क्वेश्चन नंबर 59 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? इसका उत्तर है 4थे भाग में है। 60वां क्वेश्चन, संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था किस भाग में है? इसका उत्तर है 5 भाग में है। जी हाँ दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें सत्या एक्सलेंट चैनल को। जी हाँ दोस्तों, ये देख लें नीचे मेरा चैनल, बैंक SSC पुलिस नेवी ATC मतलब के सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जी दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें। हाँ दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही।